यंग बाइक्स की टीम का ये चौथा यानी कि फोर्थ G20 समिट है। नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइक्स की टीम की तरफ से इस समय ब्राजील में हूँ और यहाँ G20 समिट हो रहा है और G20 समिट को अटेंड करने के लिए ब्राजील के एक शहर रियो द जेनेरियो में आया हूँ। आज हमारे साथ इस समय मौजूद है हमारे साथ ये G20 2023 जो भारत में हुआ था, उसके बाद G7 जो इटली में हुआ था, ये G20 और G7 की सीनियर रिसर्चर हैं निपाशा जी। ये हमें आज इनसे कुछ हम लोग पूछेंगे कि किस तरीके से जो ये G20 2024 में हुआ है और जो G20 2023 में भारत में हुआ था, उससे आज क्या क्या नए सुधार और हुए हैं और विश्व किस उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। नताशा जी, आपका स्वागत है। नताशा जी, आपने G20 2023 जो भारत में हुआ उसको भी अटेंड किया, हमसे आपकी मुलाकात हुई। G7 जो इटली में हुआ तब भी आपकी हमारी मुलाकात हुई और आपने G7 के बारे में काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया था क्योंकि आप सीनियर रिसर्चर हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आज G20 2024 जो है 2024 जो ब्राज़ील में हो रहा है रियो द जेनेरियो की एक शहर में, तो क्या लगता है कि आज 20 स्टेट्स के हेड मिले हैं, किस तरीके से विश्व की तरक्की की ओर जा रहा है विश्व? ये जो 20 कंट्री आज मिली हैं 20 समिट पे रियो डी जेनेरियो में, मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत प्रोग्रेस होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, फाइट अगेंस्ट हंगर में भी होगा, मगर जिधर प्रॉब्लम आएगी वो होगा जो ग्लोबल टेंशन हैं, यूक्रेन एंड रशिया वॉर, इसराइल हमास वॉर, इन चीज़ों में अभी तक की प्रोग्रेस नहीं होगी। आपका मानना ये है कि जो वॉर्स चल रही हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग में इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी, ग्लोबल वार्मिंग पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो है कि क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इतनी प्रोग्रेस हो रही है इस समय जी, क्योंकि एक टास्क फोर्स भी बनाई गई थी जिसमें फाइट टू मोबिलाइज अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, तो उन चीज़ों में आई थिंक एक अच्छी प्रोग्रेस होगी। मगर और जेंडर इक्वालिटी, ग्लोबल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स में जी जिस तरह लगता है कि इन G20 समिट में जो पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ की है वो 75% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है, तो क्या लगता है कि इकोनॉमी में भी इन देशों की तरक्की किस तरह से होगी? आई थिंक जो है चाइना जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल प्ले करता है साउथ साउथ कोऑपरेशन में, उन्हें जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा UN के साथ भी इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ उन्हें कंट्रीब्यूशन की है, तो अगर चाइना और इंडिया भी अगर लीड द वे करे साउथ साउथ कोऑपरेशन में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्लोबल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस करेगी। जी नताशा जी, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप पिछला G20 जो है भारत में हुआ था और 2023 में हुआ था, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी इस G20 का हिस्सा बनाने में, तो उनके बनने से भी क्या ट्रेड में और क्या इकोनॉमी में तरक्की होगी? जी, आई थिंक जो बिगेस्ट चैलेंज होगा अफ्रीकन यूनियन के लिए वो होगा फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो फूड इनसिक्योरिटी के सिनेरियोस हैं वो हर मुल्क के लिए अपने अपने फर्क हैं, तो अगर ये अच्छी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जब यहाँ आज बैठेगी तो इन फूड इनसिक्योरिटी पे फिर कोई डायलॉग्स होंगे और कोई अचीवमेंट्स होंगी, ग्लोबल डेवलपमेंट की जो अचीवमेंट्स होंगी उसके साथ मिलकर ग्लोबल प्रोग्रेस होता है। क्या लगता है कि जिस तरीके से इस समय आपने भी कहा रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास की जो फाइट चल रही है उस पर भी डिस्कशन होगी, और जैसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि वॉर किसी भी समस्या का हल नहीं है, डायलॉग्स ही समस्या का हल है, तो क्या लगता है कि इसमें कोई हल निकलेगा?
अभी के लिए तो स्लो प्रोग्रेस लग रहा है, स्लो प्रोग्रेस लग रहा है, इसलिए चाइना ने भी हाथ अपना दिया है, कह रही थी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में पीसफुल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए जी, कि पीसफुली सारे मुल्कों को अपने साथ में रहना चाहिए, मगर ये अभी के लिए सिर्फ डिस्कशन स्टेज पे है, अभी कुछ इतना कोई आउटकम्स नहीं दिख रहा जी। जैसा कि आपको देखा गया कि अगर हम दोनों पिछले साल का भी 2023 का G20 और इस G20 को कंपेयर करें, तो क्या लगता है कि उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट्स के मुद्दों को डिस्कस किया गया था या उससे भी ज़्यादा किया जाएगा, और जो 2023 में मुद्दे डिस्कस किए गए थे उन पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई है जी? आई थिंक इस समिट में थोड़ा सा ज़्यादा ग्लोबल डेवलपमेंट में होगा, क्योंकि मैंने एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जो जो अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर है वो एक टास्क फोर्स बनी है, ये एक टास्क फोर्स बनी है क्लाइमेट मोबिलाइजेशन के लिए, और ये क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट साथ ही साथ जुड़ के मिले हुए टॉपिक्स हैं, तो अगर इन दो चीज़ों में हम प्रोग्रेस कर सकें तो आई थिंक ग्लोबल डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा जी। आप G20 की सीनियर रिसर्चर हैं नताशा जी, जो 2023 में आपस में बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल्स हुई थी, आपस में डिस्कशंस हुई थी डेवलपमेंट की, उन पे क्या लगता है, उस पे क्या नज़रिया है आपका कि इस समय क्या उन पे किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो कितने परसेंट हुई है? आई थिंक ओवरऑल एवरेज जब हम निकालते हैं कंप्लायंस का, तो वो 75% कंप्लायंस है सारे सब्जेक्ट्स में, तो मीन एवरेज तो हम कर ही रहे हैं, मगर अगर बेहतर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो छोटे छोटे अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में या कुछ शॉर्ट टाइमलाइंस में अगर कोई प्रोग्रेस देखी जाए उसमें आई थिंक फ़र्क पड़ेगा जी। नताशा जी, आपने हमारे दर्शकों को G20 की जो नॉलेज दी और बातें बताई, और पिछले G20 के बारे में भी कहा कि 75% उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जितने भी देश उसमें शिरकत किए थे, तो बहुत बड़ी बात है। नताशा जी, आपका हमें इन चीज़ों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यंग बाइक्स की टीम का ये चौथा यानी कि फोर्थ G20 समिट है।